हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज है 9 सितंबर। 9 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, तो यहाँ पे हम कवर करेंगे और सारी यहाँ पे क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC, रेलवे, UPSC, बैंक, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए मन लगा के पढ़िए और 2022-23 के में सिलेक्शन लीजिए। और यहाँ से हर एग्ज़ाम के लिए 5 से 6 क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के, जो कि हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन 2021-22 से पूछे जा रहे हैं। इसलिए करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपके CGSI में जो कि 16 नंबर का जो कि क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर से आना है, इसलिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं रोज़ डेली बोलता हूँ, डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्वेश्चन कवर हो जाएगा, इसलिए डेली करंट पर पढ़िए। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है? तो 5 सितंबर, 7 सितंबर, 4 सितंबर, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो कि 7 सितंबर को यह मनाया जो कि यह आसमान के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, तो हमारे जो वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, जो कि सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी। तो नीले आसमान के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में यह 7 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुन्ना मदा झील में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बेस्ट टेस्ट का आयोजन हुआ है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इंडी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो केरल में राज्य में जो कि पुन्नामदा झील में जो कि 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का यहाँ पे आयोजन हुआ है। तो यहाँ पे बोट रेसिंग है, जो कि जिसे कहे, तो यहाँ पे नाव से जो कि यहाँ पे रेसिंग किया जाएगा। इसका आयोजन जो कि 68वीं क्रम का है, जो कि केरल में जो कि इसका आयोजन वहाँ हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं केरल, तो यहाँ पे बात करते हैं केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो CM है पिनराई विजयन, यहाँ के CM है, और यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, केरल के राज्यपाल हैं। तो सब फैक्ट को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहाँ मंथन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो पुणे, बेंगलुरु, नई दिल्ली, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने जो कि मंथन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलुरु में इसका जो कि उद्घाटन किया गया है, जो कि हमारे सड़क परिवहन और राजमंत्री मंत्री तो हमारे जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा बेंगलुरु में इसका सम्मेलन और उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो याद रखें, इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TV शंकर नारायण का निधन हुए, पेशे से कौन थे? तो लेखक, गायक, पत्रकार, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में TV शंकर नारायण जिनका निधन हुआ है, पेशे से मुख्य रूप से सिंगर थे, गायक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जो कि TV शंकर नारायण, जो कि सभी जानते होंगे, जो कि गायक हैं, जिनके हाल ही में इनका निधन हो गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ, हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड में किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो BK त्यागी, यमुना कुमार चौबे, महेश वी अय्यर, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड जो कि इसके जो अध्यक्ष हैं महेश वी अय्यर को इसको नियुक्त किए गए हैं अध्यक्ष के रूप में। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, महानगर गैस लिमिटेड के उसको नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस M दुरुस्वामी को किस हाईकोर्ट को चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मद्रास हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने तो हाल ही में जस्टिस A दुरुस्वामी जी को मद्रास हाईकोर्ट जो कि इनको हाईकोर्ट के लिए इनको चीफ जस्टिस इनको नियुक्त किया गया है। तो मद्रास हाईकोर्ट के लिए इनको नियुक्त किया गया है चीफ जस्टिस के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की यहाँ पे घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राजस्थान में जो कि यहाँ के राज्य सरकार ने जो कि यहाँ पे रोजगार गारंटी योजना की यहाँ पे घोषणा शुरू की गई है। यहाँ पे बात करते हैं
तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा जो कि वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं राजस्थान के। तो याद रखिएगा, रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने यहाँ पे की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा समझौते को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। तो मलेशिया, रूस, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो यहाँ पे जो कि तो रूस ने जो कि 4 विवादित जो प्रशांत द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा समझौतों को यहाँ पर समझौता समाप्त कर दिया गया है। तो रूस में अब यहाँ पे जो विवादित प्रशांत द्वीप यहाँ पर जो कि मुक्त यात्रा यहाँ पर कर सकते हैं, समझौते को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन विफलता के लिए एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर 35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो यहाँ पे जो अपशिष्ट प्रबंधन विफलता के लिए एनजीटी ने जो कि पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार पर 35 करोड़ रुपये का यहाँ पे जुर्माना लगाया है। अब जो कि अपशिष्ट प्रबंधन विफलता के लिए इसको लगाया गया है 3500 करोड़ का जुर्माना। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो इन पे जो कि 3500 करोड़ रुपये का जुर्माना यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ममता बनर्जी यहाँ के सीएम हैं और जगदीप धनखड़ जो कि वर्तमान में यहाँ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। तो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का यहाँ पे ऐलान किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है यहाँ की टका के नाम से, यहाँ की जो करेंसी को जाना जाता है। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान यहाँ पे किया गया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में यूपी के किस जिले में जेल के खाने को फंसाई के 5-स्टार रेटिंग मिली है। तो वाराणसी, गोरखपुर, फर्रुखाबाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यूपी के जो कि फर्रुखाबाद जो जिले के खाने को फंसाई के द्वारा 5-स्टार रेटिंग मिली है। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद को इस जेल को जो कि 5-स्टार रेटिंग यहाँ पे मिली है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू की गई है। तो हाल ही में गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल इसके ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू की। तो यह पुधुमाई पेन योजना क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो तमिलनाडु में यह योजना चलाई जा रही है। तो पुधुमाई पेन योजना जो कि मुख्यमंत्री के यहाँ के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा यह योजना को लाया गया, जो कि चेन्नई में राज्य के स्कूलों में 5वीं से 12वीं तक जो कि पढ़ने वाले छात्रों या स्नातक व डिप्लोमा पूरा करने तक जो कि हर माह 1000 रुपये मासिक सहायता उनको प्रदान किया जाएगा स्टूडेंट को। तो ये इसका लगभग बजट 698 करोड़ रुपये का इसका बजट है। तो यह पुधुमाई पेन योजना इसी से संबंधित है जो कि तमिलनाडु सरकार द्वारा लाया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अभी बताया मैंने। श्री आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर एन रवि। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पुधुमाई पेन योजना याद रखिएगा तमिलनाडु से रिलेटेड है जो कि स्कूली छात्रों के लिए यहाँ योजना को लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जो कि मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं। तो मास्टर कार्ड, पेटीएम, एयरटेल, डी इन्वेस्ट को। हाल ही में BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए जो कि टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं तो किसको मिले हैं। तो यह मास्टर कार्ड को मिला गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं
तो यहाँ पे BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, हेडक्वार्टर मुंबई में है महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में किया गया था। प्रेसिडेंट सौरव गांगुली जो वर्तमान में BCCI के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी जनरल हैं अभी जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं, तो सेक्रेटरी जनरल BCCI के जय शाह हैं। तो BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मास्टर कार्ड को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुएला वेबरनमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है? तो फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, डी इनमेस कोई नहीं। तो हाल ही में ब्रिटेन में क्योंकि सुएला ब्रेवरमैन जो कि इनको नई गृह सचिव बनाई गई है ब्रिटेन के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, यहाँ के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटेन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो भोपाल, पानीपत, नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नई दिल्ली में जो कि सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू किया गया है, तो सुब्रतो कप फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है। तो इसका जो कि शुरुआत यहाँ नई दिल्ली में किया गया है जो कि यहाँ के CM हैं केजरीवाल। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का सुब्रतो कप नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए जो कि एग्जाम पासिस में है, तो इसलिए मन लगा के पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए बस आज के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा करंट अफेयर्स की क्लास कैसा लगा। थैंक यू।